नमस्कार फ्रेंड्स, जय वाणी अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम वीएमसी टूलिंग जो है उसका पार्ट टू लेके चल रहे हैं। पार्ट टू के अंदर हम जो है टाइप्स ऑफ मिलिंग कटर के बारे में बात करेंगे। जनरली क्या है कि इंटरव्यू के लिए जब स्टूडेंट्स जाते हैं तो उनसे क्या है कि मिलिंग कटर के बारे में पूछ लिया जाता है कि किस तरह से कौन कौन से हम टूल यूज करते हैं मिलिंग कटर के, कौन कौन से टूल होते हैं जो वीएमसी के अंदर हम यूज करते हैं उसके बारे में बताओ। तो जनरली जो स्टूडेंट होते हैं वो बस वही चीज बता पाते हैं जो उन्होंने इंडस्ट्री में देखी, जैसे टूल हो गया मिलिंग कटर उन्होंने देखा है तो एक मिलिंग कटर का ही एग्जांपल हो जाते हैं। जबकि इसके टाइप्स होते हैं, कई तरह के टूल टाइप्स होते हैं, तो इसमें से कुछ टाइप्स मैंने कंसीडर किए हुए हैं। तो ये 8 टाइप्स मैंने आपको बताए हैं जिसके अंदर मैं आपको ब्रीफली बताऊंगा किस तरह से क्या होता है। सबसे पहले एंड मिल की बात करते हैं। एंड मिल जो होता है ये क्या करता है कि जो वर्क पीस होता है उसके एंड्स को मिल करता है, जो वर्क पीस होगा उसके एंड, जैसे ये वर्क पीस है हमारा, तो अगर इसके जो कोने हैं यहाँ से अगर फिनिशिंग करनी है हमको तो ये टूल यहाँ से फिनिश करता है, यहाँ से और यहाँ से, तो एंड ये फिनिश कर सकता है। इसके जो कटिंग एज होती है वो बोथ साइड होती है, कटिंग पॉइंट जो होते हैं वो बोथ साइड होता है सभी तरफ, इसीलिए क्या है कि ये अपने कटिंग पॉइंट से कटिंग कर लेता है। जो टूल्स होते हैं मिलिंग टूल जनरली जो बनाए जाते हैं HSS के और सीमेंटेड कार्बाइड के बनाए जाते हैं, जिससे क्या है कि अगर मान लो कहीं एक्सटर्नल फोर्सेस जनरेट होते हैं कटिंग के टाइम पे तो क्या है कि टूल पे लोड ना पड़े, इसी वजह से क्या है कि आसानी से HSS के और सीमेंटेड कार्बाइड के जो टूल होते हैं वो एब्जॉर्व कर लेते हैं फोर्सेस को, तो क्या है कि टूल के टूटने में या वियर होने में दिक्कत नहीं आती है। तो ये हमारा एंड मिल, इसका सबसे पहला टूल है तो उसको यूज करते हैं। बॉल मिल होता है, ये बॉल मिल जो होता है इसके आगे का जो एंड होता है ये इसके जो नोज होता है इसको बोल टाइप का बना होता है, जैसे इस तरह से ये बोल ये बनी होती है। तो क्या है कि ये बोल नोज टूल होता है, जैसे मान लो किसी भी प्रोफाइल के अंदर हम कैड से प्रोग्राम बनाते हैं या आपने कोई शेप देनी है तो इससे क्या है कि रेडियस वगैरह हम दे सकते हैं, या हम इसके लिए जैसे आपने किसी पार्ट पे आपको इस टाइप की शेप देनी किसी जॉब पे तो ये बोल नोड्स की सहायता से हम दे सकते हैं, या इंटरनल हमको मिलिंग करना है किसी पार्ट को इंटरनल, जैसे इंटरनल में कोई पार्ट है ये जहाँ पे हमारा टूल नहीं पहुँच पाता है तो इस तरह जो रेडियस वाले जो पार्ट होते हैं वो बोल नोड्स की सहायता से बनाए जा सकते हैं, इसकी शेप हेमिस्फेरिकल होती है। रफ मिलिंग का मतलब होता है, रफ मिलिंग को जनरली रिपा के नाम से बोलते हैं, रिपा टूल्स आप बोल सकते हो। ये क्या होता है कि ये लार्ज अमाउंट ऑफ मेटल, तो मेटल अगर आपको ज्यादा मेटल रिमूव करना है तो उसके लिए हम हमेशा रफिंग के टूल का यूज करते हैं, रफिंग के मिल का, तो ये ज्यादा जो मेटल है उसको रिमूव करने का काम करता है। सबसे पहले जब कोई टूल चलता है मिलिंग में तो रफिंग का टूल चलता है किसी पार्ट में। थ्रेड मिल, अगर हमको थ्रेडिंग काटनी है थ्रेडिंग के टूल से तो आप थ्रेड मिल का यूज करते हो, इस तरह से टूल होता है। इसी पे क्या है कि इसी पे इस तरह से इंसर्ट लगी रहती है, तो ये क्या है कि पार्ट का अगर हमको इंटरनल थ्रेड काटनी है तो हम थ्रेड मिल टूल से काट सकते हैं। फेस मिलिंग का टूल, अगर हमको वर्कपीस उसका फेस मिलिंग करना है फेस से तो हम फेस मिल के टूल का यूज करते हैं। जनरली ज़्यादातर जो यूज होते हैं वो रफिंग मिल और फेस मिल ज़्यादातर यूज किए जाते हैं इंडस्ट्रीज के अंदर। होबिंग कटर, होबिंग कटर जो होता है वो हाई मशीनिंग के अंदर यूज कर सकते हैं, और कहीं लार्ज अमाउंट में अगर हमको मेटल निकालना होता तो उसके लिए, और क्योंकि हाई फिनिशिंग हमको चाहिए होती है तो हम होबिंग कटर का यूज करते हैं। स्लैब मिलिंग कटर जो होता है ये भी लार्ज अमाउंट मेटल को रिमूव करने के लिए होता है, हाई मशीनरी के अंदर इसका भी यूज होता है। होलो मिलिंग कटर जो होता है ये मोस्टली ज़्यादातर जो है काफ़ी हाई एक्यूरेसी हाई मशीनिंग के लिए हम यूज़ करते हैं, जहाँ पे हमारा जो पार्ट होता है, कई पार्ट्स ऐसे होते हैं जब हम 3D प्रोग्रामिंग करते हैं कैम से प्रोग्रामिंग करते हैं तो डीपली कहीं मेटल रह जाता है तो आसानी से निकलता नहीं, या कहीं कहीं जगह पे हमारे सरफेस उठी हुई रहती है तो उस कंडीशन में इस टाइप के टूल का यूज़ करते हैं। इसको काफ़ी हम स्पेशल टूल बोल सकते हैं, ज़्यादातर इसका जो यूज़ है स्पेशल केस के अंदर। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मिलिंग कटर होता है ये मिलिंग कटर इस टाइप का होता है, इस पर सभी पे इंसर्ट लगी होती है, ओनली फेस मिलिंग के लिए होता है ये यूज, कई टूल्स होते हैं।
जैसे एक टूल होता है हमारा होलो मिल कटर, ये भी हमारा 3D के अंदर ज़्यादातर यूज़ होता है। मशीनिंग के अंदर इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है लार्ज अमाउंट डीड करने के लिए। इसके बाद जो होता है हमारा, यह है तो बोल नोज, ये एक बोल नोज का टाइप है। बोल नोज जनरली फ्रेंड्स ये जो होता है ये आपके रेडियस देनी हो कहीं पे, क्रिटिकल रेडियस हो या फिर कहीं लार्ज अमाउंट रेडियस का निकालना हो कहीं पे भी, तो हम इस टाइप के टूल का यूज़ करते हैं, इसको बोल नोज बोलते हैं। इसको पावर शेप के अंदर बनाया जाता है ये, और हम टूलिंग की सहायता से इसको बना सकते हैं। ये कई तरह का होता है, इस पे इंसर्ट लगी हुई है आगे से, ये जो हेमी स्पेरिकल इसका फेस होता है। और इसके बाद जो टूल आता है फ्रेंड वो आता है थ्रेड मिल का। थ्रेड मिल कटर जो होता है इस पर थ्रेड इंसर्ट लगी रहती है। ये इंसर्ट क्या करती है कि अपनी जो जो पिच होती है, पिच के अकॉर्डिंग जो है ये कटिंग करती जाती है। इसकी प्रोसेस के अंदर क्या इंटरनल थ्रेड बनाने के काम में आते हैं ये, जनरली जो टूल होता है इस पे जो इसकी एज है इस पे इंसर्ट लगा दी जाती है। इस तरह से इसकी प्रोसेस होती है, कटिंग करने के बाद इंटरनल थ्रेड वगैरह निकालनी हो हमको, तो ये ड्रिलिंग के बाद किया जाता है। एक टूल और होता है, ये होता है आपका होबिंग कटर। होबिंग कटर जो होता है ये भी हाई मशीनिंग प्रोसेस के अंदर काम में आते हैं। काफ़ी एक्सपेंसिव टूल है फ्रेंड्स ये, और स्लैब मिल कटर इस टाइप का होता है जिस पे क्या है कि इस तरह से रेशी पड़ी रहती है, और ये भी हाई प्रोसेस के काम आता है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें।